हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत हद तक हकीकत भी है। हकीकत क्या है, जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स का क्वेश्चन पूछना हो, वह फर्स्ट में जो है पूछा जाता है। यानी आपको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जो भी 10 से 15 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव्स होता है, वह स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। अब इसका फैक्टर कितना ज़्यादा आपके सब्जेक्टिव पर पड़ता है, ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब मानिए आपसे एग्जाम में 15 नंबर का तीन तरह का फिलअप, ट्रू फॉल्स, और मान गए 5 नंबर से आपसे जो है क्या है उसको आप फुल फॉर्म एब्रिविएशन में से पूछ लिया गया, ठीक है। 15 नंबर का हो सकता है आपके एग्जाम में 10 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव्स हो, लेकिन वह ऑब्जेक्टिव्स स्टार्टिंग में ही रहता है। अब स्टार्टिंग में रहने से इसका फर्क सब्जेक्टिव एंसर पर कैसे आपका पड़ता है, आज हम जो है आपको समझाएंगे। मानिए एज फॉर एग्जाम्पल आपका 10 नंबर का स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन 5-5 नंबर का ट्रू फॉल्स हो, या मैचिंग हो, या फिर फिलअप हो, या फिर जो है आपका वो फुल फॉर्म वाला हो। 10 नंबर का अगर आपके एग्जाम में है तो 10 नंबर दे दिया, ठीक है। 5-5 नंबर का दो क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है। अब मान गए 10 में से आप अगर 7 से 8 नंबर का सही लाते हैं, ज़्यादातर अगर आप सही लाते हैं, मतलब आपका जो कॉपी चेकने वाला होगा वो आगे के लिए अच्छा सोचेगा। मींस कॉपी एक ही है, एक कॉपी के स्टार्टिंग में आपने जो ऑब्जेक्टिव लिखा है उसमें ज़्यादातर अगर सही है तो जो कॉपी चेकने वाला होता है उसके माइंड में ये आता है कि यह स्टूडेंट जब ऑब्जेक्टिव सही से लिखा है एक नंबर वाला क्वेश्चन, तो ज़्यादातर सही किया है, तो आगे भी जो है हो सकता है यह स्टूडेंट बेहतर लिखा हो। और आगे आपके कॉपी पर वो ये देखते हैं कि आप कितना लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, ठीक है। बस ये चीज़ें को देखता है, ज़्यादा डीपली में वो आपके क्वेश्चन को नहीं देखता है। बिकॉज क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में बेहतर कहीं ना कहीं किए हैं और वहाँ पर जो इम्प्रेशन है वह पॉजिटिव दिया है कॉपी चेकने वाले को, तो आपके लिए, आपके कॉपी के लिए बेहतर साइन होता है ऑब्जेक्टिव। अब मान गए अगर आप स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का है आप वहीं पर जो है ज़्यादातर गलत कर लिए, आपको 3 से 4 या 5 नंबर ही जो है वहाँ पे आया, ज़्यादातर आधा से ज़्यादा या आधा गलत कर लिए, तो वहाँ पे आपके कॉपी के प्रति निगेटिव थॉट जाएगा कॉपी चेकने वाले का, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हो सकता है ये 2-4-5 जो लाया भी है ये चोरी करके भी तो लाया हो सकता है, या फिर ये उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है। फिर वहाँ पर आपको कॉपी के वो बहुत ही बारीकी से जो है वहाँ पे वो चेक करते हैं आगे चलकर, और वहीं पर जो है आपके कॉपी में जो है जितने भी कमियां हैं उनको पकड़ा जाता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कॉपी को, आपके आंसर कितना ज़्यादा बेहतरीन से आप लिखे हैं यह बताता है आपका ऑब्जेक्टिव। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव सही होगा तो जो कॉपी चेकने वाले होंगे उनके मन में आपके प्रति, आपके लिखावट कॉपी के प्रति बेहतर ख्याल आएगा और वो आगे सीधा कॉपी पर देखेंगे आप कैसे लिखे हैं, ठीक है, कितना लिखे हैं पेज में, और उसी अनुसार जो है वो चेक करते, क्योंकि उनको इम्प्रेशन मिल चुका है कि बेहतर स्टूडेंट है। ऑब्जेक्टिव जब इतना ज़्यादा सही किया है तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्टिव में भी ये बेहतर किया होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आप गलत कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, तो उनके मन में एक थॉट आ जाता है कि जब स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा गलती कर चुका है, ऑब्जेक्टिव्स में गलती कर चुका है, तो इस सब्जेक्टिव क्या लिखा होगा, तो उनके मन में निगेटिव थॉट आ जाएगा। फिर उस हिसाब से जो है कॉपी वो अपना चेक करने लगते हैं, और वहीं पर जो है जिनका ऑब्जेक्टिव खराब, उनका सब्जेक्टिव नहीं खराब होते हुए भी संभावना बन जाता है खराब होने का। बातें को समझिएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जब आप कॉपी लिखते हैं
आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है। मान गए हम 10 ऑब्जेक्टिव्स है, उस 10 में से हमको जो है 4 ऑब्जेक्टिव ही आया, ठीक है, हमको 4 ऑब्जेक्टिव्स ही आया, तो हमको जो जो आया 1 से 10 तक सीरियल कर लेना है। क्वेश्चन 1 में 1 से 5, क्वेश्चन 2 में 1 से 5 सीरियल कर देना है। हमको उसमें से जो आता है उसको लिख देना है, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, ठीक है। और समय रहते हुए आप खुद से सोचकर या कहीं से हेल्प मिलता है तो हेल्प से, लेकिन छोड़ना नहीं है, उसको सही सही फिल करना है, समझ गए बातें को। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स स्टार्टिंग में इसीलिए होता है ताकि आपके अंदर के जो जो पावर है, जो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को एक वर्ड में आप समझ सकते हैं, वही तो ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसको सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव में ही इतना सारा गलती कर ले रहे हैं तो सब्जेक्टिव में कैसे उम्मीद किया जा सकता है। तो इसलिए जो है आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके सब्जेक्टिव के नंबर को इम्प्रूव करने के लिए। बातें को समझ गए? तो कभी भी एग्जाम में जाइए, ऑब्जेक्टिव जितना आता है अच्छे से बना दीजिए, नहीं आता है गलत मत बनाइए, और इधर उधर कहीं से भी आप चाहे अपने से बाद में सोचकर उसको अच्छे से जो है सही सही बना दीजिए, ताकि वो ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा सही होगा आपके सब्जेक्टिव के लिए बेहतर। आप जो आगे उसी कॉपी में जो आगे आप सब्जेक्टिव लिखे हैं वह को उसके नंबर के लिए, उसके चेक के लिए बेहतर जो है आपका साइन देगा। बातें को समझ गए? जो समझे होंगे सही है, नहीं समझे होंगे, मैं ऑब्जेक्टिव का क्लास बहुत जल्दी कल से ही शुरू कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव के क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। कंटिन्यू हम अब एक आध महीना जो है ऑब्जेक्टिव से ही चलाएंगे। जो लोग कह रहे थे ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव ही शुरू कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।